गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज तीन अक्षरों वाले शब्दों से बने वाक्य पढ़िए और लिखिए। राइटिंग बुक से वर्क है आपका। आपको वाक्य दिया है, आपको इसे पढ़ना है और इसे डॉट्स के ऊपर और फिर नीचे अपने आप से लिखना है। बहुत सुंदर सुंदर। ओके, पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे। ग ग न गगन, ये अर्धविराम है, यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे। ठीक है, जब हम किसी का नाम लेते हैं तो हम थोड़ा सा रुकते हैं। गगन नहर पर टहल। ओके, गगन नहर पर टहल। ठीक है, अब इसे डॉट्स के ऊपर लिखेंगे ऐसे ही सुंदर सुंदर। गगन ग ग न गगन गगन नहर न ह र नहर पर प र पर टहल ट ल टहल। तब हमारा वाक्य पूरा हो गया यहाँ पे पूर्ण विराम। ओके, अर्धविराम में थोड़ा सा रुकेंगे और पूर्ण विराम में थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे। ठीक है, गगन नहर पर टहल। नीचे अपने आप से लिखेंगे यहाँ पे ग ग न गगन नहर न ह र नहर पर प र पर टहल ट ह ल टहल। ओके, और ये पूर्ण विराम आपको भी इसी तरह से लिखना है नीचे वाली लाइन्स में पूरे पेज में। बहुत सुंदर सुंदर। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।